मनमोहन सिंह जी का कहना ये है कि वो वीर सावरकर जी को के खिलाफ नहीं है, पर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात है वो उसके खिलाफ की बात कर रहे हैं, जो एक गंभीर और घातक होगा। आप कैसे देखिए, देखते हैं उसको? अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस कांग्रेस का हिस्सा हैं जिस कांग्रेस ने, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, और चाहे देश के लिए योगदान करने वाले गांधी खानदान के बाहर के अन्य महापुरुष रहे हों, जिनका चाहे वो आज़ादी के लिए योगदान रहा हो, चाहे देश के विकास के लिए योगदान रहा हो, और उनको भारत रत्न जैसा सम्मान नहीं दिया गया। वीर सावरकर जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको भारत रत्न देने की बात महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के माध्यम से एक वादा किया है अपने राज्य की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वीर सावरकर जी के लिए भी, प्रथम शिक्षिका राष्ट्र की ज्योतिबा फुले जी के लिए भी, और महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के लिए भी भारत रत्न देने की वचन वहाँ पे घोषणा किया कि हम वचन देते हैं और हम सरकार से बात करके और दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस को इससे दर्द होता है, कभी उनको इस प्रकार की चीज़ें, चूंकि न तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश के लिए जो अपना योगदान किया है वीर सावरकर जी ने, आज नहीं किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया, 1992 में उनको भारत रत्न क्यों मिला है, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने परिवार के का उस परिवार को तो भारत रत्न दे दिया जिस परिवार से ये सारे के सारे लोग आते हैं, लेकिन जिनको देना चाहिए उनको नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी महापुरुषों का आदर करती है, सम्मान करती है, और उन सारे महापुरुषों को वह सम्मानजनक स्थान जो दिया जा सकता है देश के अंदर वो देने का काम कर रही है। तो सावरकर जी के नाम पर ये कह देना कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है, उसको जोड़ना कितना आपको देखिए, लगता है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक परिवार कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो 370 हटाना गलत है, कांग्रेस से चश्मे से देखें तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिलाने की बात करना गलत है, कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया ही नहीं जाना चाहिए, सरदार पटेल जी के माध्यम से जो प्रयास हो रहा था जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय का, उनके लिए वो स्वीकार नहीं था। तो कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है जो चरित्र कभी भी इस देश के लिए वास्तविक रूप से योगदान करने वालों को सम्मान देने का रहा हो। सर, एक और इशू, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि बीजेपी एक डबल इंजन की सरकार है, वो प्रचार तो बहुत करते हैं लेकिन वास्तविकता में महाराष्ट्र में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ। यही बात केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, कि दोनों जगह है, मतलब केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार, लेकिन प्रचार में सब कुछ है, धरातल पे देखिए, कुछ नहीं है। उनको क्या है कि जो मैं नहीं जानता कांग्रेस कार्यालय जो लिख करके दे दिया गया होगा उन्होंने वो पढ़ दिया होगा, लेकिन देश के अंदर भी और महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर भी और जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ जितना विकास हुआ है, जितना सुधार हुआ है, जितना गरीब कल्याण के काम हुए, जितना किसान कल्याण के काम हुए, इतना काम किसी सरकार ने इसके पहले अगर किया होता तो शायद हमारे लिए काम करने को कुछ बचा नहीं होता। सर, आप महाराष्ट्र के चुनाव देख रहे हैं, आप प्रभारी भी हैं वहां पर, कैसा चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, देखिए और किस तरफ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आरोप भी लगा रहे हैं, देखिए, शिवसेना भी है, बाकी आपके सहयोगी और दल भी हैं। कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन जनता ने नकार दिया है, हरियाणा के अंदर भी इनका कोई मतलब स्थान लगभग जनता की नज़रों में नहीं बचा है, दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम महाराष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि अकेले भाजपा अपने दम पर बहुमत लाने का काम करेगी और देवेंद्र जी की अगुवाई में सरकार बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और हमारा बहुमत है, लेकिन फिर भी हमारे जो सहयोगी उनको सम्मानजनक स्थान देकर के सरकार का हिस्सा बनाए हैं, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी हम अकेले दम पर बहुमत प्राप्त करते हुए भी जो हमारे प्रमुख सहयोगी शिवसेना और अन्य साथी हैं उनको सम्मानजनक स्थान देने का काम।